हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका हिमांशु के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपनी पेंटिंग की जो शीट है वो सबमिट करने जा रही हूँ, और जो मेरे एग्ज़ाम है ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो मैं वो देने जा रही हूँ। तो आज चलते हैं मेरी वनडे के टूर पर। तो अब मैं बस में बैठ चुकी हूँ, लेट्स गो। अब मैं बस से उतर चुकी हूँ और अब यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, मैक्सिमम 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। फिर उसके बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगी। तो हम अपने मैम के घर पहुँच गए हैं। तो अब मैंने कलर्स निकाले हैं पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए कि थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। इसमें कलर डालेंगे? नहीं, हम इस कलर को, फैब्रिक कलर को थोड़ा सा पतला करके रखेंगे, जैसे पतला किया हमने। अच्छा। थोड़ा सा और इससे ज्यादा, और इसको हम ये पूरा उसमें डिप करेंगे, जैसे वो शीशी है ना। हाँ। वैसे ये लेंगे और फिर हम इससे करेंगे। पर तो बहुत कम कम रहे हैं। देखिए ये तो खोला हुआ थोड़ा ना मेरे पास कलर, मतलब कलर, ये तो इस पे जरा सा रखा हुआ है ना, ये निब डूबना चाहिए ना इसमें, तभी तो वो चलेगा। इससे जल्दी हो जाता है, जो हम वैसे सिखाते हैं ना वो इसी से सिखाते हैं। ये मैंने निब मधुबनी से ही मंगाई थी। पर ये तो कहीं ज्यादा गिर रहा है, कहीं कम गया। वो डिप करके जब हम चलाएंगे। हाँ, सही तब, तो तब तो सही चलेगा ना ये। हाँ, तभी तो मधुबनी देखो जो पेन निब का होगा वो हमेशा ऐसे ही आएगा। और ये है कैनवास, तो कैनवास पर तो कलर थोड़ा सा ज्यादा ही हमें वो रखना पड़ेगा ना, और थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा, मेरे से स्लो नहीं चलाया जाता। और
इसको जो करते हैं हम हमेशा यूं डबल लाइन से ही कवर करेंगे। और इसमें एक और चीज क्या है कि इसमें हम ना कर्व जो है कर्व नहीं लेते, जो फाइन आर्ट में होता है वो चीज हम कर्व में नहीं लेंगे। इसमें जैसे पत्ती बनाई हमने, यूं लिया है सिंपल वाला कर्व। आंख भी हम बनाएंगे तो आंख यहां पर हम बनाएंगे यूं सिंपल, मतलब उसमें कोई शेप या फ्लो नहीं डालेंगे। हाँ, देखिए वो ढलती हुई होती है, ऐसे वाला लेंगे सिंपल। ये जैसे जरा सा कर्व आ गया, ये कर्व बिल्कुल नहीं है, यूं सिंपल रहेगी और आंख भी बिल्कुल सिंपल, मतलब वो नेचुरल वाला फील नहीं आना चाहिए। जो फाइन आर्ट वाला होता है वो चीज नहीं होती है, आईलैशेस नहीं बनती है इसमें। ये इस तरह से आएगा और ये भी, और इसमें आंखें बड़ी होती हैं हमेशा। लिप्स बनेंगे, लिप्स छोटे बनेंगे, लिप्स भी कैसे आएंगे बिल्कुल सिंपल। ये भी ज्यादा हो गया, जैसे ये है मधुबनी, इसमें बिल्कुल सिंपल आएंगे ऐसे वाले, ऐसे वाले बिल्कुल सिंपल। मीन्स जो फ्लो हम दिखाते हैं वो चीज नहीं आएगा, हार्ड एंड रफ लाइन ही होंगी इसमें। जो इसमें नाक का भी हुआ आएगा, नाक का आएगा इस तरीके से कि सिंपल लाइन से इस तरीके से। वो भी मधुबनी बनी हुई है ना। जैसे यहाँ सिंपल लिया, बीच में ऐसे लिया, यस ये वाली भेजने की सोच रहे थे। अवार्ड के लिए नहीं, बीएफए के लिए। अच्छा, अब श्रेया की नहीं जाएंगे, दोनों की जाएंगे। कैनवस ही है? नहीं, ये दूसरी शीट है, ये अलग आइवरी। नहीं, आइवरी से भी अच्छी वाली है। कौन सी? ये अलग आती है शीट, तो ऐसे वाला इसमें बिल्कुल सीधी। तो अब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं अपना एग्ज़ाम कर लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मैं अपनी मैम की करके जो पेंटिंग से वो दिखाऊंगी। ये जो पीछे पेंटिंग लग रही है ये है कृष्ण जी की रासलीला को प्रेजेंट किया गया है। ये ऑयल पेंटिंग है और वाइट फ्रेम में हो रखी है, और ये मधुबनी पेंटिंग है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये वन डे ट्रैवलिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।